Standard 9, chapter name structure of atom, topic valence electron and valency. So first of all, valence electron and valency. So normally आपको बता देता हूँ कि अभी तक आपने जो जो पढ़ा है कि जो outer orbit में जो electron रहते हैं ना, उसको हम बोलते हैं valence electron. और valency, valency means अगर किसी के outer orbit में एक electron है, किसी के outer orbit में दो electron है, किसी के outer orbit में three electron है, जिसको हम बोलते हैं valence electron. तो वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है. वो मींस जो भी आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, वही आपकी वैलेंसी होगी. अगेन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. और वैलेंसी, वैलेंसी मींस आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन की स्ट्रेंथ कितनी है, वो स्ट्रेंथ को ही हम बोलते हैं वैलेंसी. ओके, क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज द मेंट, what is meant by valency, what is the relation between valency and electronic structure, explain it. First, valency, the number of electron present in the outermost orbit of the atom is called valency of the atom of the element. मैंने बोला ना अभी कि element में जो number of electron जो outer orbit में जो रहने वाले हैं ना, उनको ही हम बोलते हैं valency. कोई भी एलिमेंट जिसका एटम, इसका एटम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के जो आउटर ऑर्बिट में जो आपके प्रेजेंट रहेंगे, उसको ही हम बोलते हैं वैलेंसी. क्या बोलते हैं उसको? वैलेंसी. व्हेन देयर आर थ्री और लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर ऑर्बिट, सच अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट्स द वैलेंसी ऑफ एटम. फॉर एन एग्जाम्पल, देखो अभी ये एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा डिप्थ में बता देता हूँ. देखो सोडियम के, अगर हम सोडियम की बात करते हैं, अगर हम सोडियम की बात करते हैं, तो सोडियम, सोडियम के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं? 11. तो सोडियम के टोटल इलेक्ट्रॉन 11, तो उसके आउटर ऑर्बिट में पहले के, के सेल में 2, एल सेल में 8, एम सेल में कितना बचा? 1. तो ये जो आउटर ऑर्बिट में के जो लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना, उसको हम बोलते हैं उसकी वैलेंसी. वैसे ही देख, पता है ना आपको कि Na को हम Na प्लस लिखते हैं, वैसे ही Mg, वैसे ही बात करते हैं Mg, तो Mg, तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के आउटर ऑर्बिट मीन्स 2, टोटल 12 होते हैं, 2, 8, ये के सेल में 2 हो गया, इसमें L में 8 हो गया, अभी बचा कितना? 2, के एल एम, तो किसमें आएगा? M में. तो ये आउटर ऑर्बिट किसमें होगी? इसमें भी M होगी. तो आउटर ऑर्बिट में यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2. तो ये जो आउटर ऑर्बिट में जो आपके इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, वो आउटर ऑर्बिट वाले जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जिसको बोलते हैं वैलेंसी. तो यही बात की है. देखो, व्हेन देयर आर थ्री और लेस देन लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर ऑर्बिट, सच अ नंबर इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट वैलेंसी ऑफ एटम. फॉर एग्जाम्पल सोडियम, अभी बात की ना सोडियम 281, सोडियम एटम हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो सो इट्स वैलेंसी इज अ प्लस 1. सिमिलर कैल्शियम, कैल्शियम एटम हैज अ 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, Ca2+ बोलते हैं ना हम, क्योंकि कैल्शियम में कितने होते हैं? 20, 2882. ओके, तो कैल्शियम उसमें 2, तो उसकी आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसमें प्लस 2. अब ये वैलेंसी आई प्लस, अब बात करते हैं वैलेंसी माइनस कब आएगी. तो अभी बात की ना कि जो जिसके आउटर ऑर्बिट में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना, वो दूसरे के पास में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा. अगर 6 है तो वो 2 लेगा, 7 है तो 1 लेगा. तो बात करते हैं 6, ऑक्सीजन, हम बात करते हैं ऑक्सीजन की. ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं? 8. तो के, के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2. एल में 6. तो उसको कंप्लीट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास से लेगा. क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास से एक्सेप्ट करेगा. तो 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास में लेके ये आंट बनाएगा ना, तो इसकी जो वैलेंसी होती है वो माइनस 2 रहती है. वैसे ही बात करते हैं हम किसकी? वैसे क्लोरीन, क्लोरीन को पता है क्लोरीन में आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं? क्लोरीन में टोटल 17, क्लोरीन में टोटल कितने रहते हैं? 17. तो 17 का आएगा 287, तो 287, तो क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस ऑर्बिट, तो आउटर ऑर्बिट में कितने? 7. तो 7 है, तो उसको उसकी ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? बाहर से 1 चाहिए, तो उसकी वैलेंसी होगी माइनस. तो सिंपल, वैलेंसी कब प्लस होगी और कब माइनस होगी? तो अगर आउटर ऑर्बिट में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देगा. अगर वो देता है तो प्लस आएगा. मीन्स सोडियम मैग्नीशियम की बात करते हैं और कैल्शियम की. अगर
आउटर ऑर्बिट में पांच छह सात ऐसे इलेक्ट्रॉन है, मीन्स तीन दो या एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अगर एक्सेप्ट करता है दूसरे के पास से लिया तो दूसरे के पास से अगर वो लेगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे दो एग्जांपल्स है आपके, एक है क्लोरीन, तो क्लोरीन में सेवन था तो सेवन में कंप्लीट करने के लिए वन चाहिए तो माइनस वन, और दूसरा था ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को आउटर ऑर्बिट कंप्लीट मीन्स एट कंप्लीट करने के लिए दो चाहिए तो माइनस टू, तो माइनस टू और माइनस वन, यहाँ पे प्लस टू प्लस वन। ओके, तो वैलेंसी कब प्लस आएगी कब माइनस आएगी समझ में आया। अब आगे देखते हैं, व्हाट इज द कॉल्ड ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी बताया ना, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंस रहेंगे वो इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इंपोर्टेंस ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, तो इट इज द एटॉमिक इमर्सन स्पेक्ट्रा, क्या एटॉमिक इमिशन एंड इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। तो द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस इन आउटर और मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम आर नोन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल, किसके लिए, एटॉमिक एमिशन। आपने देखा होगा कि लेजर से जो कई सारे ऑपरेशन अभी लेजर से हो रहे हैं ना, तो वो भी इस पर डिपेंड करता है, इट्स केमिकल प्रॉपर्टी लिखा है ना, और केमिकल प्रॉपर्टी। विच आइसोटॉप इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव, गिव्स एग्जाम्पल, आइसोटॉप ऑफ एलिमेंट ऑफ द हायर एटॉमिक मासेस ऑफ द रेडियो एक्टिव, एग्जाम्पल क्या है, द आइसोटॉप एलिमेंट कौन कौन सा, रेडियम थोरियम यूरेनियम प्लूटोनियम एक्सेट्रा हैविंग अ हायर एटॉमिक मास, जिसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव। कौन कौन से, रेडियम थोरियम यूरेनियम प्लूटोनियम, जिसके एटॉमिक मासेस जो है वो वेरी हाई या तो हायर एटॉमिक मास वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव। ओके, तो ये हो गया आपका कौन से आइसोटॉप आपके रेडियो एक्टिव है, तो ये एग्जाम्पल्स उसके हो गए।